नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में गुरुवार को वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में प्रदर्शन किया। दादर में बड़ी संख्या में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि मैं सभी छात्रों से अपील करती हूं कि अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखें। इसके अलावा ममता ने मैंगलोर में बीते शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन में मारे गए दो लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की। मुंबई के प्रदर्शन में करीब 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज से जुड़े लोग भी पहुंचे। उन्होंने नृत्य के जरिए प्रतीकात्मक तौर पर CAA और NRC का विरोध दर्ज किया। इससे पहले 24 दिसंबर को प्रकाश अंबेडकर मातोश्री में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले थे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में नागरिकता कानून लागू नहीं करने की मांग CM को की थी। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक में बदलाव किए और कई जगह रास्तों पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी वाहनों प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं ठाणे की ओर आने वाले भारी वाहनों को सुमन नगर चौक की ओर मोड़ दिया गया। इसी तरह से अरोरा जंक्शन से दादर टीटी जंक्शन तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश रोका गया। दादर ईस्ट से दादर वेस्ट और वर्ली की तरफ जाने वाले सभी वाहनों के लिए तिलक ब्रिज बंद करना पड़ा। वहीं नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ कर्नाटक के मैंगलोर में हुई हिंसा में मारे गए दो प्रदर्शनकारियों के मामले में लगातार राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी लगातार CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर निशाना साध रही है। मंगलोर की घटना पर ममता बनर्जी ने कहा कि 3-4 दिन पहले कुछ लोग कर्नाटक में हुई हिंसा में मारे गए थे। आजादी के संघर्ष के बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ BJP के राज में पुलिस फायरिंग में लोग मारे जा रहे हैं। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो रोटी कपड़ा मकान दीजिए। गुरुवार को ममता बनर्जी ने राज बाजार में कहा कि जब महात्मा गांधी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े तो शांतिपूर्ण तरीके से लड़े थे। आज BJP सभी प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाना चाहती है। कल BJP ने कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी प्रदर्शनकारी की मदद नहीं की जाएगी। ये सिर्फ प्रदर्शन है। अगर हमारे अधिकार छीने जाएंगे तो हम लड़ेंगे। पार्टी का ओर से तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बक्सीदा है, बता देंगे। हमारा दिनेश त्रिवेदी एंड दोलाशन दिस टू विल गो देयर एंड दे विल हैंड ओवर आवर पार्टी चेक टू दिस टू पर्संस। हम लोग उसको देंगे जितना भी हम कर सकता है। हम 5-5 लाख करेंगे। हम तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ओर से करेंगे इसी के लिए कि हमारा कम जस्ट हमारा सेंटिमेंट हमारा सॉलिडरिटी दिखाने के लिए क्या है कहते हैं उसको वापस ले लो। अरे वो बच्चा लोग है परिवार लोग है हम लोग को भी देखते हैं जब किसी को डेथ होना है इसको देखना चाहिए। काश की एनआरसी लेकर दो आदमी को डेथ हुआ नॉर्थ बंगाल में मैंने सुना। आज 34-34 आदमी को बंगाल में डेथ हुआ है। असम में कितना 100 का करीब आदमी को डेथ हुआ है। क्यों ऐसा करते हैं क्यों करते हो जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है जो देश के लिए कबलियत है जो देश के लिए कामयाबी करते हैं जो देश के लिए किसानी करते हैं जो देश के लिए खेती करते हैं JBD banquets lie hai. Incredible marriage palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।